actually it was a conscious sort of decision, you know, Barfi ke baad I wanted to do a commercial film, an absolutely masaledar film, and like the promo says, mast film. So I think Phata Poster has all those elements, you know, usme you'll have comedy, romance, drama, action. It's entertaining. It's a true blue entertainer. It's something that is very new for me. Or I really hope that people like it after the work I've done in Barfi. On-screen chemistry, I think, has really worked for Shahid and me because, I mean, it's a fresh pairing. And Shahid, I think Shahid's playing such a wonderful role in the film. He's got this really chocolate boy image, but I think it works so well for our film. And, you know, he's playing different shades of everything. There's action in the film, immense amount of action in the film. But also there's so much comedy and so much of drama and so much of romance as well. So I think it's worked so well for us. I think people are seeing me for the second time after Barfi, so I think it'll work. Well, apne dil se bolungi ki, you know, we've put a lot of hard work into this film. It's been lots of fun doing this film. Or I hope that all of you like it. I hope you all enjoy it. You'll come to the theatres on the 20th of September. Watch Phata Poster Nikla Hero. Have a laugh. Enjoy, laugh with us. Cry with us. And just be thoroughly entertained and go back home. फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो. उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है विश्वास राव. फिल्म 20th सितंबर को रिलीज़ होगी. विश्वास राव फिल्म के अंदर एक्चुअली सच्चाई में वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी माँ का सपना है कि वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर बने. तो इस वजह से फिल्म में बड़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है. और वो जब मुंबई आता है तो वो एक्टर बनने की कोशिश में है, लेकिन सब लोग उसको इंस्पेक्टर समझने लगते हैं. तो इज़ एक्चुअली अ फेक कॉप. वो रियल कॉप नहीं है. और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेस यही है कि वो नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी लड़ाई या झगड़े में पड़ जाए. और इलियाना का जो कैरेक्टर है वो इज़ कॉल्ड कंप्लेंट काजल इन द फिल्म, जो हमेशा कंप्लेंट लेकर आती है. वो इसको अलग अलग जगहों पे जाके छोड़ देती है गुंडों के सामने और कहती है कि अब तुम इनको हैंडल करो. और उसको ऐसा लगता है कि मुझे फ़ाइट नहीं करनी है, क्योंकि अगर उसके चेहरे पे चोट लग गई तो उसकी एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा. तो इस वजह से जो सब कन्फ्यूजन फिल्म के अंदर होता है वो होता है. इट्स अ टिपिकल राजकुमार संतोषी कॉमेडी. एंटरटेनिंग फिल्म है. बहुत सारा कॉमेडी है, काफ़ी सारा एक्शन है, रोमांस है, गाने हैं, मस्ती है, डॉगी भी है, सब है. सर, आप कभी गणपति फेस्टिवल में गए हैं? कभी शादी वूदी में गए हैं? थोड़ा टुन वुन हुए हैं? तो उसके बाद जब बॉडी अपने आप करने लगती है ना चीज़ें, जो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, तो धतिंग नाच वो होता है कि जब आदमी कोई भी स्टेप नहीं करता और बॉडी टेक ओवर कर लेती है और उल्टे सीधे मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं धतिंग नाच. तो हमने उसके ऊपर एक गाना किया है जिसका नाम है 1 2 3 4 5 चल धतिंग नाच. मैडम, मैं तो प्रमोट ही कर रहा हूँ पिछले 10 दिनों से और अगले 13 दिन प्रमोट करूँगा. तो आई थिंक स्पेशली जब आप सोलो हीरो फिल्म करते हैं ना, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्टर के ऊपर आ जाती है. जब 2-3 एक्टर्स होते हैं तो यू नो देर आर मोर पीपल टू प्रमोट द फिल्म. तो डेफिनेटली यू हैव टू गो आउट देयर एंड प्रमोट योर फिल्म. काफ़ी बार आदमी थक जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि मैं कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँ, लेकिन ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना अपनी फिल्म. एंड आई डोंट माइंड प्रमोटिंग अ फिल्म. आई गेट टायर्ड प्रमोटिंग इट, बट आई डोंट माइंड प्रमोटिंग.